हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियोस में रेस्टफुल APIs क्रिएट करना सीखा, लेकिन इसमें जो हमने डेटाबेस यूज़ किया वो एक सिंपल एरे को एज अ डेटाबेस हमने यूज़ किया, जो कि डायनेमिकली यहाँ पर मेमोरी में था, ठीक है। तो उसको हमने यूज़ किया, तो इसको डेटा को एक्सेस करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। लेकिन जब हम डेटाबेस की बात करेंगे, सो डेटाबेस को पढ़ने से पहले यहाँ पर हम देखेंगे असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे काम किया जाता है, ठीक है। क्या होता है असिंक्रोनस कोड और जावा असिंक्रोनस और सिंक्रोनस कोड, वो हम आने के अभी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर देता हूँ। सो हम जब डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे तो हमको असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना होगा। तो क्या यहाँ पर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में डिफरेंस है, वो मैं आपको एक रियल एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ, आपके लाइफ के एग्जांपल से, ठीक है। सो उसके बाद हम देखेंगे कोड में। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल हम एक रेस्टोरेंट का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। रेस्टोरेंट में क्या है मेरे पास, यहाँ पर ये टेबल है, ठीक है। इसी तरह से और भी यहाँ पर टेबल्स हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पर तीन टेबल्स क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ये वेटर है, ओके। और यहाँ पर हमने ये कहा कि यहाँ पर एक किचन है, ठीक है। सो वेटर क्या करेगा, टेबल के पास आएगा, यहाँ से वो ऑर्डर लेगा, और ऐसा नहीं है कि यहीं पे खड़ा रहेगा, मतलब ऑर्डर लेगा और फिर इसके बाद जाएगा किचन में, और यहाँ पर इसने उसको ऑर्डर दे दिया और यहीं पे खड़ा रहेगा, ठीक है। और अब क्या करेगा ये, कि जब यहाँ पर जो भी ऑर्डर था इसका वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ये इसका जो ऑर्डर लेके आएगा इसको वापस यहाँ पे देगा, और उसके बाद ये दूसरी टेबल के पास जाएगा। तो दूसरी टेबल में जाने के बाद इससे ऑर्डर लेगा और फिर किचन पे जाएगा और यहीं पे खड़ा रहेगा, एंड देन ये आएगा वापस और उसको ऑर्डर कंप्लीट करेगा, फिर जाएगा वो तीसरे के पास। तो ये जो इस तरह का जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे सिंक्रोनस प्रोसेस, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको फंसा के रख रहा है, यहाँ पर आया ही यहीं रोका है, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं सिंक्रोनस प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं असिंक्रोनस की, तो असिंक्रोनस में क्या होगा, यहाँ पर किचन है, ये हमारे पास तीन टेबल्स हैं, और यहाँ पर ये मेरे पास वेटर है। नाउ बात करेंगे असिंक्रोनस की, तो सेम है, वेटर आएगा टेबल के पास, इसने ऑर्डर लिया, ऑर्डर दिया इसने किचन में, और अब जब तक किचन में ये जो ऑर्डर कंप्लीट होगा तब तक ये दूसरे के पास आएगा और दूसरे से ऑर्डर ले लेगा। अब ये जाएगा इसका ऑर्डर उसको दे देगा, तब तक ये देखेगा कि ये जो पहले वाले का ऑर्डर था ये बन गया है, तो इसको वापस ला के इसको दे देगा, और ये फिर जाएगा थर्ड के पास, और थर्ड से ऑर्डर लेगा इसको दे देगा, तब तक दूसरे वाले का बन चुका होगा, और उसको वापस ला के दूसरे वाले को यहाँ दे देगा, और फिर ये जाएगा इसके पास थर्ड वाले का बन गया होगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रोका नहीं हूँ, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ एक ऑर्डर कंप्लीट होने तक। सेम यही चीज़ होने वाली है यहाँ पर हमारे साथ जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पर एक मैंने मेथड कॉल किया हुआ गेट स्टूडेंट्स, ठीक है। सो गेट स्टूडेंट को डेटाबेस तक जाने में और वहाँ से डेटा लाने में टाइम लगेगा, तब तक क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, दूसरा कोड यहाँ पे परफॉर्म करेगा। जब ये रिजल्ट बन जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा वापस, तो फिर ये रिजल्ट को कलेक्ट करके हमको रिटर्न करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम काम करेंगे, उसको सीधे हम इसको कोड में इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ पे वर्क करता है, ओके। सो उसके लिए हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, कंसोल ओपन करेंगे, ओके। अभी मैं हूँ एक्सप्रेस अंडरस्कोर नोड पे, सो मैं cg.dot मैं वापस आ गया हूँ नोड जेस फोल्डर पे, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो mkdir नोड अंडरस्कोर असिंक, ओके, फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर में शिफ्ट हो जाते हैं नोड असिंक, यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो हमने यहाँ पर कहा npm init, हमने --- यस फ्लैग के साथ उसको क्रिएट किया, ओके। सो यहाँ पर ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ ये प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ठीक है। सो एडिटर बंद कर क्लोज कर देता हूँ मैं एडिटर को यहाँ पर। नाउ इस फोल्डर पर हम अपने जो फेवरेट एडिटर है VS Code को ओपन कर लेते हैं, हमने कहा कोड पीरियड, ओके। नाउ एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, सो हमने कहा कंट्रोल एन कंट्रोल एस, और यहाँ पर हमने कहा index.js, ओके। सो एक फाइल क्रिएट किया मैंने index.js, यहाँ पर मैं कुछ लॉग स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर कहा console.log, और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया 1, एंड देन मैंने यहाँ पर कहा console.log, और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया 2, इसी तरह से मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा console.log 3, ओके। सो मैं इस कोड को अगर रन करूँगा तो देखेंगे क्या होगा, एक के बाद एक यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरह से ये रन होगा। कंसोल में वापस आएंगे, हमने यहाँ पर कहा नोड index.js, सो क्या हुआ 1, 2, 3 ये प्रिंट हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जब तक पहली लाइन जो है, पहला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब तक दूसरा नहीं हो जाता तब तक तीसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर इस केस में इस लाइन को प्रिंट होने में अगर 1 सेकंड का भी टाइम लग गया या 2 सेकंड का टाइम लग गया, तो वो 2 सेकंड के लिए टाइम प्रिंट करता रहेगा 2 सेकंड तक, और उसके बाद ये तीसरी लाइन यहाँ पर प्रिंट होगी, ठीक है। सो इसको हम कहेंगे सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ओके। सो एक के बाद जिस तरह से हमने स्टेटमेंट लिखे हैं वो एक के बाद एक यहाँ पे इस तरह से एग्जीक्यूट होंगे, तो उसको हम कहेंगे सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ओके। सो वहीं हम अगर देखते हैं असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है वो यहाँ पे देखते हैं। सो अगर मैंने यहाँ पर एक टाइम आउट फंक्शन का यूज़ किया, मैंने यहाँ पर कहा सेट टाइम आउट, और टाइम आउट फंक्शन को हम एक फंक्शन पास करते हैं। सो मैंने एक यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन पास किया, और ओके मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। नाउ मैं इसमें लिख देता हूँ लॉग, और मैंने यहाँ पर कहा आफ्टर
2 सेकेंड, ओके आफ्टर 2 सेकेंड ये लिखा, और यहाँ पर आपको पास करना है वैल्यू जो कि 2 सेकेंड के बाद ये फंक्शन यहाँ पे रन होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो पहले मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग 1, ये प्रिंट होगा, देन कंसोल डॉट लॉग आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का वेट करेगा, और उसके बाद ये प्रिंट होगा, इसके बाद प्रिंट होगा 2, इसके बाद प्रिंट होगा 3, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये प्रिंट होगा, सो ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है ये एक असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। सो इसमें क्या होता है, ये कंसोल डॉट लॉग ये लाइन प्रिंट होगा, इसके बाद सेट टाइम आउट फंक्शन रन होगा, लेकिन फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन पास किया है और इसमें मैंने 2 सेकंड का इंटरवल दिया, सेट टाइम आउट में 2 सेकंड मैंने बताया है कि ये 2 सेकंड बाद चलेगा, तो ये जो फंक्शन है इनर फंक्शन, इसका एनोनिमस फंक्शन, ये शेड्यूल हो जाएगा 2 सेकंड के बाद रन होने के लिए, लेकिन इसमें 2 सेकंड का वेट नहीं होगा, ये 1 के बाद डायरेक्ट 2 को प्रिंट कर देगा और 3 को प्रिंट करेगा, और 2 सेकंड के अंदर अंदर जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स प्रिंट हो सकते हैं वो सब प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट होगा ये फंक्शन यहाँ पर रन होगा। सो ये जो एग्जाम्पल है ये है एक असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, बैक टू योर कंसोल एंड टाइप हेयर नोड इंडेक्स डॉट जे एस। तो आप देखो 1, 2, 3 एंड यहाँ पर 2 सेकंड का वेट और देन आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है। सो ये असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल, मतलब कि अगर इसको 2 सेकंड का टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में तो मैं यहाँ पे वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे के जो स्टेटमेंट्स हैं उसको रन कर रहा हूँ और ये 2 सेकंड बाद जो रन होगा सब कुछ हो जाने के बाद, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से ये असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सो नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया, मैंने उसको कहा गेट स्टूडेंट्स, ओके। सो ये एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कि जो फंक्शन एक डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा और उसको 2 सेकंड का टाइम लगता है डेटाबेस से स्टूडेंट को फैच करके लाने में, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक सेट टाइम आउट का यहाँ पर यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैंने इसको फंक्शन पास किया जो कि 2 सेकंड तक ये वेट करेगा, मतलब 2 सेकंड लगते हैं इसको डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में, डेटाबेस से डेटा को लाने में, ठीक है, स्टूडेंट को लाने में। सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जो भी स्टूडेंट कलेक्ट किए हैं मैंने उसको मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, एक एरे है स्टूडेंट एरे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, और 2 सेकंड बाद जब डेटाबेस से हमको डेटा मिल जाएगा तो मैं इसको यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर कहा स्टूडेंट 1 स्टूडेंट एंड देन ये स्टूडेंट, ठीक है। मैंने इस तरह से 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। बेसिकली क्या होगा, मैं गेट स्टूडेंट को कॉल करूँगा, ये जो गेट स्टूडेंट है इसको 2 सेकंड का टाइम लग रहा है डेटाबेस से डेटा को लाने में, और 2 सेकंड बाद मुझे ये स्टूडेंट का एरे यहाँ पे रिटर्न करेगा। सो मैं इस यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ लॉग, या फिर मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा लॉग कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग और डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा गेट स्टूडेंट, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 1 प्रिंट किया, इसके बाद उनका गेट स्टूडेंट्स, तो जो भी स्टूडेंट को टाइम लगा वो उसने टाइम लगा, और उसके बाद इसने मैथड ने क्या रिटर्न किया हमको, ये स्टूडेंट्स को रिटर्न किया, इसके बाद 2 प्रिंट होगा, इसके बाद 3 प्रिंट होगा, ठीक है। सो उसको एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या इसका रिजल्ट होता है, ठीक है। तो वापस आते हैं कंसोल में, यहाँ पर हमने कहा इंडेक्स नोड इंडेक्स डॉट जे एस। सो आपने देखा यहाँ पे कि 1 आया, देन अनडिफाइंड आया, देन 2 आया एंड देन 3 आया, ठीक है। सो अनडिफाइंड आया, मुझे कोई भी स्टूडेंट का जो एरे था वो यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लॉग स्टूडेंट लॉग लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा फैचिंग स्टूडेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम डेटाबेस, ओके। सो मैं क्या कर लेता हूँ, इस लाइन को यहाँ से रिमूव करके डायरेक्टली यहाँ पर रख देता हूँ। सो उसने कहा फैचिंग डेटाबेस से जो भी डेटा है वो डेटा फैच हो रहा है, उसके बाद 2 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पर क्या आया, फैचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डेटाबेस एंड अनडिफाइंड आया। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले ये 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। इसके बाद गेट स्टूडेंट्स कॉल हुआ, गेट स्टूडेंट की लाइन प्रिंट हुई, क्योंकि इसको 2 सेकंड लग रहा था, तो ये 2 सेकंड के लिए यहाँ पे शेड्यूल हो गया कि 2 सेकंड बाद रन होगा, और इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, रिटर्न कुछ नहीं था, तो अनडिफाइंड यहाँ पर प्रिंट हो गया, और उसके बाद 2 प्रिंट हुआ, देन 3 प्रिंट हुआ, और 2 सेकंड बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये फंक्शन रन हुआ। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी थी उसके बाद ये वाला फंक्शन रन हुआ, और यहाँ से मैंने रिटर्न किया, ठीक है। तो ये रिटर्न कहाँ किया है कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इस मेथड से स्टूडेंट फंक्शन से क्या रिटर्न हुआ, अनडिफाइंड। तो ये जो मेथड थी, ये जो फंक्शन था, ये 2 सेकंड बाद रन हुआ, तो मुझे कोई भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। सो अगर मैं कहीं से डेटाबेस ला रहा हूँ डेटाबेस से, और उसको मैं यहाँ पे गेट करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे अनडिफाइंड मिलेगा। तो इस चीज़ को मैं कैसे यहाँ पे हैंडल करूँगा वो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो उसको हैंडल करने के लिए हम कॉलबैक्स का यूज़ करते हैं। कॉलबैक्स कैसे यूज़ करते हैं, आइए उस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सो नाउ इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर अगेन इसको डिफाइन करूँगा। सो मैंने यहाँ पर कहा गेट स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो अब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो गेट स्टूडेंट्स है इसको मैं एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे पास करूँगा। सो मैंने इसको नाम दिया कॉल बैक, ये एक फंक्शन होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा कंसोल नहीं करते हैं, हमने यहाँ पर कहा गेट स्टूडेंट,
मैंने कॉल किया और इसको मुझे कॉल बैक पास करना है, मतलब फंक्शन पास करना है जो कि रन होगा कब, जब ये गेट स्टूडेंट्स का जो रन है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो डेटा है वो डेटाबेस से मिल जाएगा, उसके बाद ये कॉल बैक यहाँ पर कॉल होगा। ठीक है, तो मैं इस कॉल बैक जो फंक्शन है वो यहाँ पर मैं फंक्शन पास करूँगा, तो मैं इस फंक्शन को पास कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा लॉग और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आफ्टर गेटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डेटाबेस। ओके, नाउ यहाँ पर जो कॉल बैक पास किया है इसका मैं कैसे यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर सबसे पहले सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है क्योंकि डेटा लाने में। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन पास किया और यहाँ पर मैंने कहा लॉग नहीं करते हैं, हमने यहाँ से कहा रिटर्न जो स्टूडेंट एरे था वो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर कहा स्टूडेंट 1 2, इस तरह से मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्रिएट किया, सेव किया। यहाँ पर मुझे टाइमिंग पास करनी है कि ये कितना टाइम लेगा, 2 सेकंड का। तो अभी मैं फेक इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, मतलब ये फर्जी है, मतलब ऐसा भी रियल में होगा नहीं, क्योंकि ये जो टाइम है ये डेटाबेस में कलेक्शन करने में, हमको कलेक्ट करने में ये वाकई में लगने वाला है। तो अभी मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, तो उसको मैं सेट टाइमिंग टाइम आउट की हेल्प से यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये असिंक्रोनस इसका बिहेवियर है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने स्टूडेंट को रिटर्न किया। नाउ मैंने उसको एक कॉल बैक पास किया है, वो कॉल बैक ये था। तो जैसे ही हमारा जो रिटर्न नहीं करना है मुझे, ठीक है, सो अब क्या होगा, मैं यहाँ से रिटर्न नहीं करूँगा। सो अब मैं जैसे ही मुझे डेटा मिल गया तो मैं क्या करूँगा, एक कॉल बैक पास कर दूँगा, कॉल बैक को जो भी था आपने जो पास किया इस मेथड को, वो कॉल बैक मैं यहाँ से कॉल करूँगा और इस कॉल बैक को मैं ये जो डेटा हमारे पास आया है ये एज अ रिजल्ट इसको पैरामीटर में पास करूँगा। कि जो कॉल बैक हमने पास किया इसको एक रिजल्ट मिलने वाला है, तो यहाँ पे जो मैं कॉल बैक पास कर रहा हूँ जो फंक्शन, इसको भी एक रिजल्ट मिलेगा। सो मैंने यहाँ पर लिखा रिजल्ट। ठीक है, सो मैंने ये रिजल्ट पास किया, पैरामीटराइज्ड है, तो ये कॉल बैक कॉल करते समय मैंने एक पैरामीटर सेंड किया, तो वो पैरामीटर मुझे मिलेगा और मैं उसको यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर कहा लॉग और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया रिजल्ट। ठीक है, सो अब ये कैसे रन होगा इसको मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर रन होगा, इसके बाद ये मेथड कॉल होगा गेट स्टूडेंट्स, लेकिन इसको 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो ये 2 सेकंड के लिए यहाँ पर शेड्यूल हो जाएगा। उसके बाद ये 2 रन होगा, इसके बाद ये 3 रन होगा। जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट होंगे ये कॉल बैक, ये जो मेथड है ये रन होगा, ये फंक्शन रन होगा, और जैसे ही फंक्शन रन होगा 2 सेकंड बाद इसने क्या किया, इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया। और ये फंक्शन कहाँ है, ये फंक्शन है ये, और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा आफ्टर द रिजल्ट, और कॉल बैक मैंने जो रिजल्ट पास किया है ये रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होगा। तो जो रन होगा, रन होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 एंड देन ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पे रन होंगे। वापस आते हैं कंसोल में, रन करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जी एस, तो आप देखोगे 1 2 एंड 2 सेकंड का वेट 1 2, और ये आफ्टर गेटिंग रिजल्ट स्टूडेंट फ्रॉम द डेटाबेस, एंड तो ये जो डेटा है वो मुझे मिल गया। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जो असिंक्रोनस बिहेवियर है उसको मैं कैसे यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ डेटा को, यूजिंग कॉलबैक्स। सो कॉलबैक्स की हेल्प से मैं इसको आसानी से कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है, एप्लीकेशन का जो लेवल है वो बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी। वो प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है थोड़ा और इसको हम आगे लेके चलते हैं। सो बेसिकली अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जो मुझे स्टूडेंट्स मिले हैं, ठीक है, इस स्टूडेंट को जैसे ही मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट का, सो मैं क्या चाहता हूँ, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके सारे मुझे कोर्सेज मिल जाएँ जो भी उसने परचेज किए हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन है जिसको मैं कॉल करूँगा, तो मैंने कहा फंक्शन गेट कोर्सेज और मैं इसको एक स्टूडेंट पास कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट का नाम इसको पास करूँगा, जिस स्टूडेंट का नेम पास करूँगा, उसके बाद उसके जो सारे कोर्सेज हैं वो मुझे एक्सेस करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक कॉल बैक पास करूँगा। ठीक है, क्योंकि हम कॉल बैक की हेल्प से जो कोर्सेज मुझे रिटर्न होने वाले वो मैं चाहता हूँ, तो मैं कॉल बैक का इंप्लीमेंट करूँगा यहाँ पर। तो सेट टाइम आउट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, सेट टाइम आउट मैंने किया, और यहाँ से मैं उसके जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के सारे कोर्सेज यहाँ से रिटर्न करना चाहता हूँ। सो मैंने एक एरे रिटर्न किया यहाँ से, कोर्सेज एरे। सो ठीक है, सो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्टूडेंट पास किया, उस स्टूडेंट से रिलेटेड सारे कोर्स रिटर्न कर रहा हूँ, और उसको भी 2 सेकंड का टाइम लगेगा। सो आफ्टर द कम्प्लीशन, ठीक है, सेट टाइम आउट जैसे ही कम्प्लीट होगा, रन कम्प्लीट होगा, कोर्सेज हमको मिल चुके हैं, तो उसको मैं कॉल बैक में पास कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। नाउ इसका कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। सो मैंने यहाँ पर कहा गेट स्टूडेंट, मुझे रिजल्ट मिला। सो रिजल्ट जैसे ही मुझे मिलता है मैं इस रिजल्ट का यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, नाउ यहाँ पे मैं गेट कोर्सेज को कॉल करूँगा। सो मैंने यहाँ पर कहा गेट कोर्सेज, और इसको चाहिए रिजल्ट, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। सो जो रिजल्ट मिला है मुझे एरे, उसका जो 0th इंडेक्स है वो मैं पास कर देता हूँ, उसको एक अब कॉल बैक चाहिए। सो कॉल बैक को यहाँ पे एक रिजल्ट मिलेगा, सो मैं यहाँ पर रिजल्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, और रिजल्ट, ठीक है, सो जैसे ही ये कॉल बैक कॉल होगा, ये जो रिजल्ट है कोर्स 1 इस रिजल्ट को असाइन हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी रिजल्ट है वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। सो मैंने कहा लॉग एंड देन मैंने इस रिजल्ट को प्रिंट किया। ठीक है, परफेक्ट। सो हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, गेट स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो भी रिजल्ट था वो मिला, देन इस रिजल्ट पे मैंने अगेन गेट कोर्सेज कॉल किया, तो ये मुझे कोर्सेज मिल चुके हैं। ठीक है, सेव करेंगे। अब क्या होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा,
एंड देन ये गेट करेगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट आ जाएंगे सारे, फिर हम कोर्सेज गेट करेंगे। तो यहाँ पर दो दो सेकंड का टाइम लगेगा, 4 सेकंड टोटल, ठीक है। वापस आते हैं कंसोल में, इसको रन करते हैं। 1 2 गेटिंग स्टूडेंट, देन अगेन 1 2 गेटिंग कोर्सेज। सो ये आ गए कोर्सेज, ठीक है। दो दो सेकंड का टाइम लगा, अगेन मैं इसको रन करता हूँ और आप देखोगे कैसे ये रन होगा। सो 1 2 3 देन 1 2 कोर्सेज, 1 2 कोर्सेज, ये, ठीक है। तो दो दो सेकंड का यहाँ पे टाइम लगा, तो इसको मैं कैसे भी करके हैंडल तो कर पा रहा हूँ कॉल बैक की हेल्प से, और मुझे जो रिजल्ट है वो परफेक्टली मिल रहा है, ठीक है। सो नाउ अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि इसके बाद मैं जो कोर्सेज मुझे मिले हैं, इस कोर्सेज पे मैं और डीप डाउन जाना चाहता हूँ। जो मेरे को फर्स्ट कोर्स मिला है उसमें कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं वो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं अगेन एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ट्री स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता जा रहा है, ठीक, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इसको हैंडल करने में, ठीक है, क्योंकि अभी तो दो दो लाइन का कोड है, कल को यहाँ पे चार चार 100-100 लाइन का, 50-50 लाइन का कोड होगा, तो मैं इसको बहुत आसानी से इसको मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो, एक के अंदर एक ही इस तरह से जो मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शंस को, ठीक है, कॉल बैक्स को, सो इसको मैं एक स्पेसिफिक वर्ड बोलता हूँ, उसको हम कहते हैं कॉल बैक हेल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम यहाँ पर, कॉल बैक हेल, ठीक है, हम इसको कहते हैं कॉल बैक हेल। तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ वो मैं आपको अब आगे बताऊँगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें मैंने एक और यहाँ पर गेट लेक्चर्स, ये यहाँ पर क्रिएट किया हुआ गेट लेक्चर, ठीक है। तो ये कोर्स लेता है यहाँ पे, और कोर्स के बाद ये 2 सेकंड लेता है डेटाबेस से डेटा लाने के लिए, और यहाँ पर हमको लेक्चर्स की जो लिस्ट है वो रिटर्न करता है। तो मैंने उसको यहाँ पे कॉल किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ देखोगे 3 एक के अंदर एक, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं कॉल बैक हेल और क्रिसमस प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्रिसमस ट्री जैसा हमको दिख रहा, ठीक है। इसको हम कैसे इससे निपट सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। एक छोटा सा उसका सोल्यूशन है, यूजिंग हम नेम्ड फंक्शन इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं अपने कोड से, ठीक है। सो उसको हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इसमें मैं क्या करूँगा कि ये जो एनोनमस फंक्शन हमने क्रिएट किया है, इसको हम एक नेम्ड फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये हमको क्या कर रहा है, यहाँ पे लेक्चर्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक फंक्शन जो कि लेक्चर्स को शो करेगा। सो मैंने यहाँ पर कहा फंक्शन शो लेक्चर्स, ओके, शो लेक्चर्स, एंड इसको मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कहा लेक्चर, ओके, लेक्चर्स यहाँ पे मैंने पास किए, एंड देन हम यहाँ पर कहेंगे लॉग, और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया लेक्चर्स को, ठीक है। सो ये लेक्चर्स को प्रिंट किया। सो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो एनोनमस फंक्शन है ये बिल्कुल सेम इसकी तरह है। सो मैं इसको उससे रिप्लेस कर देता हूँ, ओके, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का, ठीक है। तो मैंने इसको इससे रिप्लेस किया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हम इसको कॉल नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसका रेफरेंस यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरह से मैं बाकी के लिए भी करूँगा। आप अपने एंड पे ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, इसके बाद हम इसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो नाउ क्रिएट करते हैं यहाँ पर जो कोर्स है, इसके लिए क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, जो कोर्सेज ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमको शो कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमको क्या कर रहा है, सो कोर्सेज यहाँ पे एक मेथड यहाँ फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसको यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने कहा सो कोर्सेज, और इसको मैं कोर्सेज पास करूँगा। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि ये जो सो लेक्चर्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आपने देखा गेट लेक्चर्स, सो यहाँ पे, ओके, सो मैं इसको यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, सो कोर्सेज में क्या करूँगी, जो एनोनमस फंक्शन है इसके अंदर मैंने इम्प्लीमेंटेशन जो रखा है, इस इम्प्लीमेंटेशन को मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ठीक है। सो ये कोर्सेज यहाँ से आ गया ना, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ जो सो कोर्सेज है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसका रेफरेंस पास कर दिया ना, सेम इसकी तरह से हम यहाँ पर स्टूडेंट के लिए भी करेंगे। सो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कहा फंक्शन मैंने कहा सो स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है। तो ये जो कोड है इसको यहाँ पर मैं रीयूज़ कर लेता हूँ इस तरह से, ओके। नाउ ये एरो यहाँ से रिमूव करेंगे। सो ये हो गया स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पर गेट स्टूडेंट्स में यहाँ पर एक कॉल बैक जो फंक्शन है वो पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो नेम्ड फंक्शन है ये इसको पास किया, ठीक है। सो अब आप देखोगे जो पहले का इम्प्लीमेंटेशन था ट्री स्ट्रक्चर, उससे ये कुछ बेहतर है यहाँ पर, ठीक है। सो मैंने गेट स्टूडेंट को सो स्टूडेंट्स पास किया, तो ये क्या करेगा, गेट लेक्चर्स करेगा, और गेट लेक्चर्स क्या करने वाला है यहाँ पर, गेट लेक्चर्स क्या कर रहा है, यहाँ पर मैंने सो कोर्सेज को कॉल किया, तो सो कोर्सेज कॉल होगा। ये क्या करेगा, गेट लेक्चर्स सारे लेक्चर्स कलेक्ट करेगा, और यहाँ से सो लेक्चर्स को कॉल करेगा, और ये सो लेक्चर्स यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये बेहतर है, रन करते हैं इसको, देखते हैं सेम रिजल्ट आता है नहीं। सो मैंने इंडेक्स डॉट जी एस को रन किया, तो यहाँ पर टोटल 6 सेकंड का टाइम लगेगा, 2-2 सेकंड का तीनों मेथड में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6
ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर लेक्चर्स हमको मिल चुके हैं। तो ये थोड़ा बेहतर इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी मेथड्स के अंदर से मेथड्स हम कॉल कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो इससे निपटने के लिए और बेहतर सोल्यूशन हमारे पास, जिसको हम कहते हैं प्रोमिसेस। तो आने वाले लेक्चर में हम प्रोमिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इस वीडियो में तो नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।